पता नहीं ध्यान कहाँ था। अरे बस बस नीताई जी, आप मुझे ही याद कर रही थी ना। मैंने भी आपको बहुत याद किया। पता है मैंने माँ बापू के साथ आपकी ढेर सारी बातें की। और मेरी सहेली है ना पुली, मैंने उसे भी कहा कि मेरी नीताई जी बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है मुझे। मैं तुझसे एक बात पूछूं, तू सच सच जवाब देगी? हाँ दूंगी। आनंदी, तेरी पहली वाली ताई जी को क्या हुआ था? मेरा मतलब है वो मर कैसे गई? दर्द में थी जमुना जी। अरे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं ताई जी, मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना याद है कि बहुत बीमार थी हमारी पहली ताई जी। कैसी बीमारी, क्या हुआ था उन्हें? मुझे याद नहीं आ रहा नहीं ताई जी। सब लोग बहुत घबरा गए थे, अस्पताल लेकर गए थे पहली वाली ताई जी को। मैं भी गई थी माँ बापू के साथ। और हाँ, माँ बापू कुछ बातें कर रहे थे कि ताई जी। क्या कह रहे थे बोलना आनंदी। मुझे याद नहीं आ रहा नहीं ताई जी, सच्ची में मुझे बहुत भूख लगी है ना। मैं जब तक नहीं खाऊंगी मुझे तो कुछ भी याद ना आएगा। पता है मैं पढ़ाई करते करते भी भूल जाती थी, पर जब मैं खाना खा लेती थी तो झट से याद आ जाता था। खाना दो ना, लेकिन हाँ मुझे वो जली हुई रोटी मत देना, बहुत कड़वी कड़वी लगती है। नहीं नहीं, मैं अपनी आनंदी को जली हुई रोटियां कैसे दे सकती हूँ? मैं अभी नरम नरम रोटियां उतारती हूँ। ए चुहिया, जब देखो हंसती रहती है, सिर्फ हंसना और खाना और कोई काम ही नहीं है। ताई जी जल्दी से खाना बनाओ ना, बहुत भूख लगी है। ए रसोई में पहले मैं आई, मुझे पहले खाना मिलेगा। भूल गई ना, मैं तेरा बीन दूं, पहले मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये ले रोटी खा ले, दूसरी सब मेरे लिए है। रुक जा चिया, उसे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां सेक दूंगी। ताई जी जब रोटियां बन जाएगी तो आप मुझे बुला लोगे? बीमार थी हमारी पहली ताई जी, सब लोग बहुत घबरा गए थे, अस्पताल लेकर गए थे पहली वाली ताई जी को। दाल तो बड़ी चोखी बनी है आज, सब्जी की जरूरत ही ना है। थारे जैसी रसोई कोई ना पका सके भागो। थारे हाथ में मां ने पूर्णा का वास है। छुरी सास रह गई है, मातम मढ़ाने की जरूरत ना है। भगो तू स्वीकार कर ले, अब हम दोनों ये इस घर में एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। ये तो ऐसे चुपचाप हर टाइम रोती रहेगी तो कैसे कटेगा जीवन? बोल के चाहो के करो, बोलो। छुरी की याद में बस नहीं मारा।
मन के किवाड़ बंद कर दूं छोरी की याद के सामने? बोल दूं नहीं मारे पास मत आना, भूल गए उसकी माँ से। आप मोतियारो घर के बाहर रहते हो, मन लग जाता है आपका, लेकिन मैं औरत हूं, घर में अकेले बैठे बैठे क्या करूं बताओ। चोरी की याद आवे तो आंसू भी ना बहाओ। हाँ बाप के पास तो दिल नाम की चीज ना होवे ना, पत्थर भरा क्या मने इधर। अरे भागो समझने की कोशिश क्यों ना करे तू, तू औरत है रो करके अपना जी हल्का कर लेवे, पर मैं किधर जाऊं किसको अपना दर्द बताऊं बोल। मर्द होने और ऊपर से बेटी का बाप होने की सजा तो चुपचाप हमें भुगतनी है। ठीक तू रोती रहे कुछ मत बोल, घुटती रहे अंदर अंदर और मेरा भी जीना दुबर करती रहे। सुनो तक मैंने कभी भी इतने गुस्से में ना देखा, क्या बात हो गई भाभी सा? कृष्ण भाभी सा, चोरी को याद करके रोना कोई पाप है क्या? मैं ही जानू मारी आनंद के बगैर एक एक सांस कैसे ले हूं मैं। कोई शिकायत नहीं की तारे भाई सा से, आंसू आ गए तो क्या करूं, गुस्से में चले गए खाना भी छोड़ दिया। 100% साची है थारी बात, पर रानी की 100 अपने कलेजे के टुकड़े के बिना जीना आसान ना होवे, बड़ा मुश्किल काम होवे। पर ये तो दुनिया की रीत है ना, अपने के जाने के बाद भी जीना सीखना पड़े। रानी के जाने के बाद एक भी दिन ऐसा ना के जब हमारे को रानी की याद आए, मारे को मारी रानी की सो। मैंने रानी के भाई साहब के सामने आज तक आंसू ना निकाले। भाभी साहब थारे को भी अपना कलेजा कड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो थारे साथ साथ भाई जी का भी जीना दूभर हो जाएगा। जी कड़ा करने का क्या मतलब है पता? के करो नाचू गाऊ भूल जाओ कि मारी एक चोरी भी है दूर अपने सासरे में? मारी को एक बात बताओ, आनंदी को उसके सासरे कहीं भेजा इसलिए ना कि वो अपने बींद के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता सके, और आप ब्याह करके भाई जी के साथ उनके घर कहीं आ गई इसीलिए ना कि अपना जीवन उनके साथ बिता सके, उनके सुख दुख में उनका साथ दे सके। साची कहूं रानी की सो, औरत का जीवन उसका सुख उसके अपने घरवाले से होवे, उसका जीना मरना सब अपने बिंद के लिए। पर तेने भी तो अपनी छोरी को यही सिखाया था ना? भाभी सा भाई जी को थारी बहुत बहुत चिंता होवे, और साची को बाप का दर्द माँ के दर्द से कम ना होवे। और मैंने तो दुनिया देखी है, औरत का के उसे तो बस अपने घरवार की चिंता होवे, पर मर्द उसे तो अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ दुनिया देखनी पड़े है, काम काज घर बार नौकरी ये सब देखना पड़े है। और ये सब देखने के बाद जब बींद अपने घर वापस आए और बींदनी अपनी आंख में आंसू लेके बैठी रहे, तो जरा सोचो उसके मन में क्या गुजरेगी। भाभी साहब बींदनी का फर्ज है कि अपने बींद के मन की बात बिना कहे समझे, उसे हर समय खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाके जीवन की नैया
अच्छे से पार लगे। सच्ची कह रहे हो आप, मारी लाड़ो को समझाती रही कि मन को मारना सीख, लेकिन अपने मन को ना समझा सकी। मैं अपने दुख को दबाना सीख जाऊंगी, आंसू को बोल दूंगी इस रास्ते ना आए। आनंदी के बापू के साथ दुख नहीं सुख बांटूंगी, उनके दर्द को समझने की कोशिश करूंगी। सासरे वापस आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, माँ बापू के पास भी अच्छा लगता है और यहाँ भी। आपने ऐसा क्यों पूछा नहीं ताई जी, आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता? शुरू शुरू में मेरा भी मन नहीं लगता था, पर अब लगता है। देखना आपका भी मन लग जाएगा। नहीं ताई जी, कहानी सुनाओ ना। पियर में तेरी माँ तुझे रोज कहानियां सुनाती थी ना? सुनाती थी, रोज सुनाती थी, रात को सोने से पहले। पर पता है, कहानी सुनाते सुनाते मैं रोने लग जाती थी। ऐसा क्यों नहीं ताई जी, मैं पहले तो ना रोती थी, अब क्या हो गया माँ को? क्योंकि वो जान गई है कि उनकी लाड़ो जो उनके सीने से लगकर कहानियां सुन रही है, वो दो चार दिन में फिर से अपने माँ बापू को अकेले छोड़कर सासरे चली जाएगी। हम बेटियां जिस आंगन में जन्म लेती है, हंसती खेलती बड़ी होती, वही आंगन हमारे लिए पराया हो जाता। और इसलिए हमारी माँ रोती है। हाँ, मैंने आपकी विदाई में भी देखा था, आपकी माँ कितना रो रही थी और आप भी रो रही थी। पता है, आपको रोते देख मुझे भी रोना आ गया था। माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता, दर्द के तार से जुड़ा हो। महीनों पीड़ा सहकर माँ एक बच्चे को जन्म देती है, अपनी भूख मारकर उसका पालन पोषण करती है, भला बुरा समझाती है, समाज की बुरी नजर से बचाती है, और फिर एक दिन अपने लाड़ों को किसी और को सौंप देती और खुद दूर खड़े होकर असहाय की तरफ देखती रहती। पर कुछ नहीं कर पाती वो माँ जो अपनी बेटी को घर गृहस्थी संभालना सिखाती है, वो एक दिन अपनी लाड़ों को किसी और की गृहस्थी सजाने के लिए भेज देती है। और बेटी वो बेचारी पूरी जिंदगी अपने घर के आंगन से जुदाई का दुख भूल नहीं पाती। मैं
मेरी छोड़ अपनी क्या, तुझे अपना घर छोड़कर सासरे आते वक्त रोना आया होगा ना। साची बताओ, पहले जितना आता था उतना नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब ये घर भी तो मेरा है ना। सासू माँ, बापू सास, सुगदा जीजी, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। थोड़ा थोड़ा जगदीश है अभी, और आप भी तो आ गई हो ना, आप भी तो मुझसे प्यार करती हो। तो यहाँ पे सबको बहुत पसंद करती है। हाँ, मुझे सब लोग बहुत पसंद है। बस दादी सास से डर लगता है, और थोड़ा डर वसंत आउची से भी लगता है। वैसे वसंत आउची ना तो अच्छे हैं और ना तो बुरे, ठीक है। अरे आनंदी, तूने बताया नहीं तेरे माँ बाप वो पहली वाली ताई जी के बारे में क्या बात कर रहे थे। याद नहीं आ रहा है। इस समय यहाँ पे क्या कर रही है बिंदनी? चल जा अपने कमरे में। चली आती है कभी भी मुंह उठाए, चल जा। कुछ कहना चाहती है? अरे बोलना, क्या कहना है? उस दिन टाल दिया आपने, बताया नहीं। आपकी पहली बिंदी की मौत कैसे हुई? फिर शुरू हो गई तू, बार बार वही सवाल। हाँ, मैंने मार दिया उसे। खुश हो गई तसल्ली? अच्छा बता क्या करेगी तू? हाँ, फांसी पे चढ़ाएगी? दिमाग खराब करके रख दिया। जब से आई है बस जासूसी करने में लगी है तू। ऐसा लगता जैसे सासरे नहीं किसी खूनी कातिल के घर पर आई है पूछताछ करने के लिए। क्यों तू क्यों मुझे बार बार उसकी याद दिलाती है जो बस दुनिया में नहीं है? मैं जब भी उसका नाम सुनता हूं न जाने क्यों जी खराब हो जाता है। इतनी मुश्किल से मैंने उसे भुलाया है और तू है कि ना। देख गहना, वो कोई पहली औरत तो थी नहीं जिसकी मौत हो गई। इस दुनिया में जो भी आता है एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने चला जाता है। वो भी चली गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना कर सकता हूं ना मैं, और क्या। देख मैं उसे भूल चुका हूं, तू भी भूल जा। बैठ।
अरे आ ना बैठ। देख अब तू मेरी पत्नी है, समझी? पूरे समाज के सामने ब्याह के लाया हूं तुझे। हाँ, इस घर की बड़ी बहू है तू, रानी बना के रखूंगा तुझे। बस ये बेकार के सवाल पूछना बंद कर दे। वर और वधु के बीच उम्र का अधिक अंतर सामाजिक एवं मानसिक विसंगतियों को जन्म देता है।